हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और जबरदस्त लेफ्टिनेंट जीके के मॉक टेस्ट की सीरीज लेकर तैयार हैं हम, जिसके अंदर आपके सामने रहेंगे 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और यदि आप में दम है तो दीजिए 30 में से 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर। आइए देखते हैं आज किस बच्चे में है कितना दम, कौन सा बच्चा है जो 30 में से कम 20 क्वेश्चन का सही आंसर देगा। जितने भी क्वेश्चन का आप आंसर देते हैं सभी आंसर को कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, ताकि हमें भी पता चल सके आप कितनी अच्छी तैयारी कर रहे हैं। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको बेहतरीन मॉक टेस्ट की सीरीज प्रतिदिन चैनल के माध्यम से दी जा सके। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। आपका फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन है, नंदिनी गाय किसके पास थी। आपको फ्रेंड्स बताना है नंदिनी गाय किसके पास थी। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा ऋषि वशिष्ठ के पास थी। नंदिनी नामक गाय किसके पास थी, यहाँ पर ऋषि वशिष्ठ के पास थी। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पर फ्रेंड्स 5 से 7 सेकंड दी जाएंगी, 7 सेकंड के बाद में मैं आपको आंसर बता दूंगी। तो आप सभी कोशिश करें कि आप इस समय के अंदर सभी क्वेश्चन का जो टाइम पीरियड आपको दिया गया है 7 सेकंड में जरूर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 8 मई को मनाया जाता है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई को मनाया जाता है। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। आपका फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरुड़ पक्षी किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है। गरुड़ पक्षी किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 इंडोनेशिया का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, यहाँ पर गरुड़ है। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। गरुड़ पक्षी किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक, आपका फ्रेंड्स इंडोनेशिया का, इंडोनेशिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं। बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा डॉक्टर सलीम अली हैं जो बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध हैं। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है। आपको फ्रेंड्स बताना है पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है। जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि फ्रेंड्स आपके पास इस प्रकार के जो चैलेंजिंग मॉक टेस्ट हैं आपको प्रतिदिन प्रोवाइड करवाए जाएं, जो आपके अंदर कहीं ना कहीं एक चैलेंज की भावना पैदा करें जो आपके हर कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए जरूरी है। आपको फ्रेंड बताना है पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 दक्षिण अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। आपका फ्रेंड्स दक्षिण अमेरिका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है। आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कोलकाता के अंदर स्थित है। आपका फ्रेंड्स कोलकाता राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके लिए, विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 क्रूज पार्क है। क्रूजर पार्क है जो विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, गजलों का जनक किसे कहा जाता है। आपको फ्रेंड्स बताना है गजलों का जनक किसे कहा जाता है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा मिर्जा गालिब को। किसको जाना जाता है, मिर्जा गालिब को जाना जाता है। किसके नाम से, गजलों के जनक के नाम से। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक प्रशासन का जनक किसे कहा जाता है। आपको फ्रेंड्स बताना है लोक प्रशासन का जनक किसे कहा जाता है। सभी फ्रेंड्स ध्यान से क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, क्या आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आपसे फ्रेंड्स का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जो फ्रेंड्स हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपके पास यहाँ पर प्रतिदिन की सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। लोक प्रशासन का जनक किसे कहा जाता है। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 वुड्रो विल्सन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, वुड्रो विल्सन को कहा जाता है लोक प्रशासन का जनक। और फ्रेंड्स याद रखिएगा ये आपके लिए चैलेंज टेस्ट है, और यहाँ पर आपको 30 में से कम 20 क्वेश्चन का सही आंसर देना है। यदि किसी फ्रेंड्स की अच्छी तैयारी नहीं है तो आप कोशिश करें फिर भी सभी क्वेश्चंस को अटेंड करने की, ताकि आपके भी ये क्वेश्चन से पूरे अटेम्प्ट हो सके।
विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शताब्दी में की गई? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शताब्दी में की गई? आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर दो, 9वीं शताब्दी में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर दो, 9वीं शताब्दी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके लिए, आपसे पूछा गया है किसे संविधान संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं मणिपुरी नेपाली कोंकणी को जोड़ा गया? आपको फ्रेंड्स बताना है कि संविधान संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाएं कौन सी, आपका फ्रेंड्स पहली मणिपुरी, दूसरी आपकी नेपाली, तीसरी कोंकणी को जोड़ा गया? आपका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 71वीं। आपका फ्रेंड्स 71वें संवैधानिक संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं को जोड़ा गया, जिसमें आपकी पहली मणिपुरी, दूसरी आपकी नेपाली और तीसरी कोंकणी थी। आइए फ्रेंड्स बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं कौन सी, आपकी मैथल यहाँ पर मैथिली, दूसरी डोगरी, तीसरी संथाली और चौथी आपकी बाड़ो को जोड़ा गया? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है कि संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं मैथिली डोगरी संथाली और बोडो को जोड़ा गया था? आपका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या, आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। 92 जो 92वां संवैधानिक संशोधन था इसके तहत संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाओं मैथिली डोगरी संथाली और बाड़ो को जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके लिए, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को राजभाषा आयोग गठन करने का अधिकार है? आपको फ्रेंड्स बताना है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को राजभाषा आयोग गठन करने का अधिकार है? आपको फ्रेंड्स के बारे में बताना है। ये क्वेश्चंस जो अब तक पूछे गए हैं ये आपके पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक शास्त्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप इन क्वेश्चंस को अपनी कॉपी के अंदर साथ में जरूर राइट डाउन करें ताकि आपसे जब ये क्वेश्चंस कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे जाते हैं तो उस वक्त भी आपको ये क्वेश्चन याद रहें। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1, अनुच्छेद 344 के तहत आपके फ्रेंड्स राष्ट्रपति को राजभाषा आयोग गठन करने का अधिकार मिला है। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे प्राचीन ज्ञात लिखित भाषा कौन सी है? विश्व की सबसे प्राचीन ज्ञात लिखित भाषा कौन सी है? आपकी फ्रेंड्स करेक्ट आंसर होगा सुमेरियन। विश्व की सबसे प्राचीन ज्ञात लिखित भाषा सुमेरियन है। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 सुमेरियन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुमेरियन क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके लिए, देश का प्रथम हिंदी भाषी साक्षर जिला कौन सा है? देश का प्रथम हिंदी भाषी साक्षर जिला कौन सा है? आपका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 नरसिंहपुर है। कौन है फ्रेंड्स? नरसिंहपुर है जो देश का प्रथम हिंदी भाषी साक्षर जिला है। अगला क्वेश्चन है, एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज कहाँ पर स्थित है? आपको फ्रेंड्स बताना है एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज कहाँ पर स्थित है? आपको फ्रेंड्स के बारे में बताना है। वेल डन फ्रेंड्स की बेटा बहुत बढ़िया आंसर कीजिएगा। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 जोधपुर में एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज स्थित है। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? आपको फ्रेंड्स बताना है रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? सभी फ्रेंड्स ध्यान से क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। क्या आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? आपका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 नई दिल्ली के अंदर रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, फिल्म सलाहकार बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? फिल्म सलाहकार बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। आपके फ्रेंड्स मॉक टेस्ट के काफ़ी फायदे हैं। एक, आपकी एक्यूरेसी को बढ़ाता है। दूसरा, आपको पेपर को जल्दी से अटेम्प्ट करने की क्षमता आपके अंदर पैदा करता है। तीसरा, यहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं कम समय के अंदर। जो आपकी हैबिट है कि पेपर को जल्दी अटेम्प्ट करने की, उसके अंदर और ज़्यादा निखार लेके आता है। तो प्रतिदिन मॉक टेस्ट को जरूर अटेंड करें ताकि आपकी तैयारी को बेहतर किया जा सके। फिल्म सलाहकार बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 1961 के अंदर। आपका फ्रेंड्स 1961 करेक्ट आंसर हो जाएगा।
फिल्म प्रभाग की स्थापना मुंबई में कब हुई? फिल्म प्रभाग की स्थापना मुंबई में कब हुई? आपका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर रहेगा, 1948 के अंदर फिल्म प्रभाग की स्थापना मुंबई में की गई थी। आपका फ्रेंड्स 1948 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपके लिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, फिल्म फेयर पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई? फिल्म फेयर पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई? आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर दो, 1953 के अंदर फिल्म फेयर पुरस्कार की शुरुआत की गई। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर दो, 1953 राइट आंसर हो जाएगा। रेलवे मेल सर्विस कब शुरू की गई? आपको फ्रेंड्स के बारे में बताना है। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर तीन करेक्ट आंसर रहेगा। रेलवे मेल सर्विस को फ्रेंड्स 1907 में स्टार्ट किया गया था और 1907 के अंदर ही सूरत अधिवेशन में यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो गुटों में बट गई थी, एक आपका नरम दल और दूसरा आपका गरम दल में। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर तीन करेक्ट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस फ्रेंड्स आंसर कीजिएगा, महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सभी फ्रेंड्स फटाफट से आंसर दीजिएगा, क्या आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। शाबाश बेटे, बहुत बढ़िया, बेहतरीन क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। सभी प्यारे दोस्त फटाफट से आंसर कीजिएगा कि महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर तीन, महादेव देसाई थे। कौन थे फ्रेंड्स? महादेव देसाई थे। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर तीन करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर तीन, पानी का अध्ययन किया जाता है। आपका फ्रेंड्स पानी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तेल शोधक कारखाने में प्रदूषण के रूप में कौन सी गैस निकलती है? आपका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दो, SO2 निकलती है। SO2 आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा। ग्राम पंचायत का चुनाव कौन कराती है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि फ्रेंड्स आपके पास वक्त पर सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन प्लस आपके बेहतरीन मॉक टेस्ट आपको वक्त पर मिल जाए, आपका फ्रेंड्स कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ग्राम पंचायत का चुनाव कौन कराती है? आपका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, यहाँ पर राज्य निर्वाचन आयोग कराती। कौन कराती है? राज्य निर्वाचन आयोग कराती है। नेक्स्ट है आपके लिए, प्रथम राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया? आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर एक, 7 अगस्त 1906 को प्रथम राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया था। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। विशाल समुद्री जहाज टाइटेनिक किस वर्ष डूबा था? आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर दो, 1912 में डूबा था। कब डूबा था फ्रेंड्स? 1912 में डूबा था। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर दो करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकसभा के पिता के रूप में कौन जाने जाते हैं? आपका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीन, जीवी मालवकर को लोकसभा के पिता के रूप में जाना जाता है। आपका फ्रेंड्स जीवी मालवकर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल को विधायी शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? आपका फ्रेंड्स वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, क्या आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीन, अनुच्छेद 174 के तहत राज्यपाल को विधायी शक्तियां प्रदान की गई हैं। आपका फ्रेंड्स अनुच्छेद 174 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन का वेम्बले स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? आपका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दो, फुटबॉल से। फुटबॉल फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो जिन फ्रेंड यहाँ पर फ्रेंड्स आज का सेशन कैसा लगा फटाफट से कमेंट कर दीजिए, साथ ही साथ आज के
30 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ये भी हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं, ताकि हमें जो कमी आपके अंदर दिखाई देगी आपकी उस कमी को दूर करने में हम आपको एक डायरेक्शन, एक गाइडलाइंस आपको दे सकें। तो चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। यदि आपको आज का सेशन पसंद आया, लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि आपके दोस्त हैं वो भी इसका पूरा फायदा उठा सकें। थैंक यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।